तमाम बहन भाइयों को मुस्तकबिल बनाने के लिए जो मुसलसल काम कर रहा होता है, सारे बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, वो भाई अभी तक वहीं कमाने के लिए लगा होता है ताकि और बाकी के बच्चों को भी फिर आगे से बिल्कुल ऐसे चीजें कर सके। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो शहर के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करे। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम अक्सर और बेशतर आप टीवी स्क्रीन पे सुनते भी होंगे, उनकी बात गुफ्तगू भी सुनते होंगे, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं वो भी आप देखते होंगे, और हमेशा कराची के लिए जो लड़ते हैं और उनकी आवाज जो है वो बड़ी सुनी भी जाती है। सियासी आवाज नहीं है मेरे लिए, तो मैं जब इनको देखती हूँ ये एक समाजी आवाज है जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे शहर में कोई भी सोशल इशू हो ये सबसे पहले आके उस पर बात करते हैं। हमारे नहायत ही काबिल मोहतरम है, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल, और आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकअल्लाह हाफिज साहब, फरमाइएगा कि भाई ये ईद के दिन कैसे गुजरे दोनों, और जानवर वगैरह क्या कुर्बान किए, और खुद करते हैं कुर्बानी, छुरी वुरी फेरते हैं या नहीं? अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो दिन गुजरते हैं ना दो तीन जी, ये ज़रा सा मुख्तलिफ गुजरते हैं। कुर्बानी तो ज़ाहिर है वाजिब है और ये करना ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे यहाँ इज्तमाही कुर्बानी चल रही होती है ना हमारे मोहल्ले में, जो अलफलाम मस्जिद जमात इस्लामी के तहत, तो उसमें हम अपने हिस्से डाल देते हैं अपने और अपनी बेगम साहिबा के, और उसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं खाले जमा करने। लोग हाफिज़ साहब, अब ज़रा ये बताइएगा हमें कि चले अब तो आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, एक अरसे से मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, ठीक है, लेकिन बचपन में जब आप ये ईद का मौका होता था तो उस वक्त क्या जानवर वगैरह खरीदने जाते आते थे, क्या तरीक़ेकार उस वक्त होता था, क्या किस तरीके से मैनेज करते थे उस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरह बच्चे करते हैं उस तरह से हम लोग भी किया करते थे। आजकल मैं देखता हूँ ज़ाहिर है कि हर गुजरते साल में बच्चों का जोशो खरोश जानवरों के हवाले से बढ़ता जा रहा है। हाँ। पहले इतना जोश व खरोश नहीं था, अलबत्ता था और लोग घूमते थे जानवरों को लेके निकलते थे, तो हम लोग भी जाहिर है कि साथ साथ बच्चों के सारे काम कर रहे होते थे। हाँ। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये तो पूरा एक जबरदस्त किस्म का बच्चों के लिए फेस्टिवल हो जाता है, और तशहीर भी, तशहीर भी काफी होती है, तशहीर का एलिमेंट वैसे हाफिज साहब इसमें ज्यादा आ गया है। सर हाफिज साहब, जरा ईद कुर्बा और हम ख्वाबों के वाले से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आप बताएं, आप ख्वाबों के शौकीन है, स्पेसिफिकली जब बकरा ईद आती है तो? अब मेरा ख्याल है खाना तो किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, और जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह खा लेता हूँ। बस थोड़ा सा अब ये होता है कि दो चीज़ों की जरा सा कमी हो, एक ज्यादा मुरगन ना हो। हाँ। एक ज्यादा मुरच्चन ना हो, तो कोई खास चीज़ फरमाइश करके बना। दिस वाज अ नाइस वर्ड, आपसे ना बड़ी वोकैबुलरी आज हम सीख रहे हैं। तो हाफिज साहब, कोई चीज़ खास ख्वाहिश का इजहार करके बनवाते हो कि जी बेगम ये बना दो, कलेजी भुनी हुई कलेजी बना दो, चांपे बना दो, एनीथिंग लाइक दैट? मुझसे ना ये खाने पीने वाले सवाल हमेशा मुश्किल में पड़ जाता हूँ मैं। बहरहाल के अच्छी देखें, अच्छा तो पुलाव भी बना हुआ हो तो बेहतरीन है, और अच्छा जो है वो कोई कढ़ाई भी बनी हुई हो तो बेहतरीन है। साफ सुथरे तरीके से कम मिर्चों वाला और कम चिकनाई वाला खाना हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो इंजॉय करते हैं। अच्छा जरा मैं चाहती हूँ जरा आज ईद का मौका है और लोग आपके जरा लाइटर साइड देखें, तो हाफिज साहब कोई शेर व शायरी से आपको शगफ हासिल है? कभी जैसे फारिग वक्त में बैठे कभी मौसीकी सुनना पसंद की, जब बारिश अच्छी हो तब तो बंदे का कभी दिल करता है कि चलो कोई कव्वाली सुन लें, कुछ कोई भी अच्छा गाना सुन लें। आपने मेरे लिए कव्वाली होती है। मैंने तो डर डर के कवाली मैंने मैंने गाना कह रहा था, मैंने कहा कवाली पे आ जाओ, मैंने जंप मारी वापस कवाली में। चले कोई गाना, अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़ौक, नहीं ज़ौक तो है जाहिर है कि, और मुझे सच्ची बात यह है कि जो अच्छी गजल हो कोई तो वो अच्छी लगती है। वैसे कौन सी गजल है जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं और हमारी भाभी को भी सुना देते होंगे? हाँ बस अब मैं सारी बातें आपको बता दूँ रास्ते। अच्छा बता दी, देखिए ईद का मौका ना, ईद आप देख लें। अच्छा मेरा ख्याल है मैं बहुत सी ऐसी, अब मसलन हबीब अली मोहम्मद की गजल है आशियां जल गए, आशियां जल गया, थोड़ा सा वो तो बड़ा दुखी किस्म की है, वो तो निकल कर किधर जाएंगे, हम कफस से निकल के किधर जाएंगे, अब मैं गुनगुनाऊं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बात है। आशियां जल गया गुलिस्तान लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। अच्छा
मुझे क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन ये तो देखें कि मुझे भी लिरिक्स पूरे याद थे इसके। ये तो लेकिन जो आपने सुरों के साथ हाफिज साहब आपके लय आपके सुरों के 100% जो है ना परसेंट आपको नंबर मिले, क्या बात। प्यारा आपने जो है वो पढ़ा है। चलें हाफिज अहीन साहब आपका बहुत ज़रा शुक्रिया कि आपने ईद के स्पेशल डे में और स्पेशली क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो इसमें भी बहुत ज़रा मसरूफियात काम होते हैं, आपने मैं वक्त दिया। और सकती बड़ा डर डर के मैं कवालियों तक गई थी, मैं गाने का पूछ ही नहीं रही थी। बिल्कुल ऐसे मैंने तो पूछा ही क्या प्यारा सुर और लय। और मेरे भाई और ये बड़ा मुश्किल था यार, पता है मैंने कितनी बार समझाया जब कोई बंदा अच्छा लय में गा रहा खुद मत गाया करो। मेरे मुझे ये तो क्रेडिट देना कि मुझे लिरिक्स सारे याद होते हैं, वो अच्छी बात है। कितना तो पुराना ये मेमोरी माशाल्लाह से आपकी 1900 दूर की भी चीजें जो हुई है ना वो आपको सब याद है, लेकिन आप अपने ना सुरों को प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस मेक्स मेरे सामने नहीं मेरी हंसी छूट जाती है, सीख जाऊंगा। हां खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। ओ मेरे सुरों की बात करें ना। चले एक छोटी सी ब्रेक हम ले रहे, आप लोग कहीं मजा आएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं, वी ऑल्सो लव हिम। हमारे कोई भी खुशी ब्याह का और हमारे कोई भी ऐसा अच्छा मौका जब घर में कोई अच्छी खुशी हो ऐसा नहीं होता जिसमें इनको याद ना किया जाए, इनके गाए हुए गानों को याद ना किया जाए। और अगर महबूब नाराज हो तो फिर भी इनके गाने जो है वो हमारे काम आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि he has kept himself updated and he has been upgrading himself, ठीक है 90s से लेके अब तक। भाई बात ये है कि एक होता है ना कि एक फैशन पुराना हो गया, चीज़ें पुरानी हो गई, लेकिन उनका जो है सारी चीज़ें अभी तक उसी तरीके से जमातर हैं और हर गुजरते टाइम के साथ जो है वो उसके अंदर निखार आता जा रहा है।